हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी 1 साल की बेटी शुभी का आज का पूरे दिन भर का रूटीन। तो अभी बज रहा है सुबह के 7 और शुभी उठ चुकी है। शुभी का रोज़ का टाइम यही रहता है, 7 या 7:30 बजे के टाइम पे शुभी उठ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही वो उठ जाती है। तो अभी उठने के बाद मैं शुभी के लिए लेके आई हूँ गाय का दूध। हम शुभी को ना गाय का दूध ही देते हैं, लेकिन शुभी रात में ब्रेस्ट फीड भी ले लेती है। तो अभी मैं उसको गाय का दूध पिलाने के बाद हल्के गर्म कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि आजकल ना हल्के ठंड के दिन आ चुके हैं। अभी प्रॉपर ठंड वाले दिन तो नहीं आए, लेकिन आजकल सुबह शाम को ठंड रहती है, तो इसलिए मैं शुभी को थोड़ा सा गर्म कपड़े पहना रही हूँ। और साथ में शुभी को ना कुछ चीज़ दे देती हूँ पकड़ने के लिए, तो शुभी उन्हीं के साथ खेलती रहती है। और क्या होता है कि ना शुभी जब उठती है, कभी क्या होता है कि मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, मैं काम करने में बिज़ी रहती हूँ, तो शुभी ना बिस्तर में अपना खेलती रहती है। वैसे तो मैं बीच बीच में उसे चेक करती हूँ कहीं उठी तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बाई चांस मैं उसे नहीं देख पाई तो आराम से किसी ना किसी चीज़ को लेकर के खेलती रहती है। तो अभी मैंने शुभी को वुलन जैकेट पहना दी है और अब इसके बाल भी बना दूंगी मैं। और शुभी के बाल बनाने के बाद इसको सॉक्स भी पहना देती हूँ। पूरा अच्छी तरीके से मैं इसे सुबह के टाइम पे तैयार कर लेती हूँ। तो शुभी को तैयार करने के बाद मैं इसको चेयर में बैठा देती हूँ और शुभी वेट करती है अपने दादाजी का। तो शुभी के दादू आते हैं और शुभी को गोद में पकड़ के इसको धूप में लेके जाते हैं। सुबह सुबह की धूप हम शुभी को दिखाते हैं। तो शुभी अपने दादा दादी के साथ आराम से घूम के आ जाती है और फिर मैं उसके लिए टीवी में लगा देती हूँ मोगली, और शुभी अपना मोगली भी देखती रहती है। मैं बाकी घर के काम भी करते रहती हूँ। और अभी सुबह के 8 बज गए, शुभी का ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तो आज मैंने शुभी के लिए बनाया हुआ है दलिया, तो मैं शुभी को दलिया खिलाऊंगी। अभी मैं इसको पूरी ना कटोरी से नहीं देती हूँ, थोड़ा सा प्लेट में निकाल करके ठंडा कर करके मैं इसको देते रहती हूँ। और साथ में ही टीवी भी लगा रखा है, तो ये टीवी भी देखती रहती है। मैंने शुभी को अभी मोबाइल की आदत नहीं डाल रखी है, वरना क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल मोबाइल को आंखों के नज़दीक ला करके देखते रहते हैं। तो मैं शुभी को मोबाइल नहीं देती हूँ, तो टीवी लगा देती हूँ। टीवी में ही कार्टून पोएम सब लगा देती हूँ, तो ये टीवी देखती है। और टीवी देखने के बाद थोड़ी देर फिर से दादा दादी के साथ खेलती है और मैं बाकी घर के काम निपटा लेती हूँ। तो दादा दादी के साथ खेलने के बाद अब बारी है शुभी की मालिश करने की। तो अभी मैं शुभी की मालिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं शुभी के पूरे कपड़े उतार के मालिश करती हूँ, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए मैं शुभी के पूरे कपड़े नहीं उतार रही हूँ। और आजकल शुभी की मालिश मैं कर रही हूँ कोकोनट ऑयल से, लेकिन कभी कभी मैं शुभी की मालिश मस्टर्ड ऑयल से भी करती हूँ। और अच्छे से मालिश करने के बाद मैं अब नहला देती हूँ शुभी को, और नहलाने के बाद शुभी को मैं पिलाऊंगी दूध। और दूध पीने के बाद अभी शुभी 1.5 से 2 घंटे की अच्छे से नींद ले लेती है, और उस बीच में मैं बाकी घर के काम निपटा लेती हूँ। तो अच्छे से नींद लेने के बाद फिर शुभी उठती है और फिर शुभी खेलने लग जाती है। शुभी को ना अब आदत है अकेले खेलने की, तो मैं शुभी को कुछ टॉयस पकड़ा देती हूँ और साथ में शुभी के लिए टीवी लगा देती हूँ। तो शुभी में कभी अभी शायद मोगली आ रहा है, तो कभी मोगली देख लेती है, कभी तारक मेहता का छोटा चश्मा देख लेती है, और साथ साथ में छोटे छोटे टॉयस के साथ भी खेल लेती है। शुभी को ज़रूरी नहीं है कि टॉयस ही दे दें, कभी मैं उसको प्लेट चम्मच भी दे देती हूँ, कटोरी दे देती हूँ, इनके साथ भी शुभी अच्छा खेल लेती है। तो बस कभी किचन में आती है, कभी इस कमरे से उस कमरे में जाती है, तो ऐसे ही खेलते रहती है शुभी। बीच बीच में मैं भी शुभी को देखने के लिए आ जाती हूँ और शुभी के साथ खेल लेती हूँ मैं भी बीच बीच में। और अब बारी है शुभी के लंच की। तो आज शुभी के लंच में मैंने बनाया हुआ है खिचड़ी। ये खिचड़ी मैंने बना रखी है थोड़ा सा चावल अरहर की दाल की। तो बस शुभी को अब मैं खिचड़ी खिलाती हूँ, और खिचड़ी खाने के बाद शुभी छोटे मोटे टॉयज के साथ खेलती रहती है। और हम लोग भी दिन में जब लंच करते तो शुभी को वॉकर में या चेयर में बैठा देते हैं, और फिर उसके बाद मैं किचन में बाकी बर्तन धोना ये सारे काम करती हूँ। तब तक शुभी अपने दादा दादी के साथ खेल लेती है, और फिर दादा दादी भी अपने काम में चले जाते हैं, तो मैं और शुभी खेलते हैं। और आराम से खेलने के बाद अभी मैं फिर से शुभी को पिलाऊंगी दूध, और दूध पीने के बाद शुभी और मैं दोनों खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और फिर शुभी खेलते खेलते सो जाती है। तो अभी इस टाइम पे शुभी 1 से 1.5 घंटे की नींद लेती है, और 1 से 1.5 घंटे की नींद लेने के बाद शुभी आराम से उठ जाती है। तो अभी शाम हो चुकी है, शुभी फिर से दूध पिएगी और उसके बाद हम लोग तैयार होकर के जाएंगे ऊपर घूमने के लिए। कर्पूर गौरम करुणाम पारम संसार सारम मुझे ब्रारम सदा
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shubhi, happy birthday to you, may God bless you. तो बस अब शुभी को काजल लगाना है, काजल लगा करके फिर मैं लेके जाऊंगी शुभी को ऊपर, तब तक मैं अपने भी थोड़े से बाल बना लेती हूँ। और शुभी ने ना दूध नहीं पिया, मैं इसके लिए दूध लेके आई थी, कभी कभी ये शाम को पी लेती है, तो मैं बस चेक करने के लेके आती हूँ, पिएगी तो ठीक है, नहीं पिएगी तो मैं इसको ढक्कन खोल करके फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी। तो अभी ये दूध पिएगी शाम को, अभी इसका मन नहीं दूध पीने का, क्योंकि इसने अभी सोते समय मैंने इसको खुद भी फीड कराया था और बोतल का दूध भी दिया था, फिर ये सो गई थी, एक दो घंटे की नींद लेती है ये। फिर मैं शुभी को काजल लगाती हूँ, फिर चलेंगे ऊपर, ठीक है। तो शुभी ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, काजल भी मैंने लगा दिया, शुभी को ना सॉक्स भी बना दिया है, और अब शुभी को लगा रही हूँ रोल ऑन, क्योंकि ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो इसलिए मच्छरों के डर से रोल ऑन लगाना ज़रूरी है। तो बस अब मैं सारे दरवाजे बंद करती हूँ, तो चलो फिर चलते हैं ऊपर घूमने के लिए। तो शाम के टाइम पे शुभी अपने दादा दादी के साथ और अगल बगल के कुछ बच्चों के साथ खेलती है, बहुत इंजॉय करती है, और उसके बाद फिर मैं शुभी को नीचे लेके आ जाती हूँ और शुभी को पकड़ा देती हूँ कुछ छोटे मोटे टॉयज़, और शुभी के साथ मैं खेलते भी रहती हूँ, साथ साथ में रात के खाने की तैयारी भी करते रहती हूँ मैं। और आज शुभी के डिनर में मैंने बनाया शुभी के लिए बेसन का चीला, तो मैं शुभी को बेसन का चीला खिलाऊंगी, और शुभी की आदत है ना कि वो एक साथ में नहीं खाती है पूरा, थोड़ा थोड़ा करके खाती है, तो थोड़ा मैं खिला देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद शुभी की दादी शुभी को खिला देती है। तो बस शुभी खाते भी रहती है और दादा दादी के साथ खेलते भी रहती है। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, टाइम हो गया है, 8 बज गया है, और शुभी ना अब अकेले खेलते रहती है, पूरे हर जगह ऐसे खेलती रहती है, जो भी मिल जाएगा उस छोटी छोटी चीज़ों से खेलती रहेगी। और उसके बाद मैं शुभी को पिलाऊंगी दूध, शुभी के लिए दूध लेके आ गई हूँ, और दूध पीते पीते ये सो जाती है, अभी तो खेलती रहेगी, जब थकेगी ना उसके बाद सो जाएगी, अभी कॉपी पकड़ रखा है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से खेलती रहती है। तो यही था शुभी का पूरे दिन भर का रूटीन। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय।